बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति मिल जाएगी। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। सॉरी फॉर द डिले, देरी थोड़ी हुई है क्योंकि आज पहला दिन है और सब सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये रिकॉर्ड्स जो बन रहे हैं या बनने वाले हैं वीडियो में, ये सदाकाल के लिए यूज़ करने हैं, इसीलिए सबको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो सभी का परम परम स्वागत है। कल रात को भी मैंने बापूजी के चैनल पे रात को किया था 10 से 11, 11 10 मिनट और बढ़ गई थी। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो दिव्य आत्माएं हैं, नई आत्माएं हैं, हमसे जुड़ रही हैं। काफ़ी आत्माएं पहली बार आई हैं, काफ़ी आत्माएं, कोई 5, 10, 20, 25, कोई तो उससे पहले से भी है। तो मेन बात यह है कि सभी दिव्य आत्माएं, देखिए हमें यहाँ आत्मस्वरूप बन के यहाँ पे जो बापूजी आएंगे, माँ आएंगे, तो उनके ओरा में हमेशा से पावर होता है।
जब भी हम कोई जब भी उनके हम आत्मा रूपी हम बन के बैठेंगे, तो आप चाहे आगे बैठे हो, पीछे बैठे हो, चाहे कोई घर पे भी बैठा हो, चाहे कोई आ भी ना पाया हो, देखिए कहते हैं ना 2G 5G जो टेक्नोलॉजी है, आप टेक्नोलॉजी पे विश्वास करते हैं? टेक्नोलॉजी इसीलिए बनाई गई है, इसीलिए बताई गई है, कारण क्या है कि हमें ये बात समझ में आए कि पावर ऑफ बिलीफ, पावर ऑफ थॉट, विचारों की शक्ति, आत्मा की शक्ति कितनी पावरफुल है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ इतना नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे सामने बैठे हैं आप, तो हम नज़दीक से देख रहे हैं। जो लोग नहीं देख रहे हैं, जो लोग सूक्ष्म जगत में हैं, जो ऊपर बेहद के विमान में भी बैठे हैं, जो अपने गोले में भी बैठे हैं, जो दूसरे ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, चाहे वो 101 पीढ़ी से ऊपर भी है, तो भी वो इस वक्त लाइव है। कई लोगों को ये चीज़ अजीब लगेगी जब यूट्यूब पे सुनेंगे तो, कि ये क्या बात है। तो क्वांटम एंटेंगमेंट क्या नाम है, ऐसा कुछ है, क्या नाम है, एंटेंगलमेंट, हाँ ये सही है। तो ये साइंस का एक कंसेप्ट है, जो जानते हैं उनको पता होगा। तो उन्होंने एक एक अणु के दो हिस्से किए और फिर एक को इतना दूर लेके जाया गया और उसका प्रभाव दूसरे अणु पर सेम पड़ रहा था। कहने का मकसद ये है कि जब हम बुद्धि से जुड़ते हैं, राइट, जब बुद्धि से हम किसी के साथ जुड़ते हैं, मन से किसी के साथ जुड़ते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, आत्मा की शक्ति, हम जिससे जुड़ते हैं उसकी शक्ति ऑटोमेटिक हमें मिलती है। कई लोगों आज उनका टर्न नहीं है, कि किसी का आज है, किसी का कल है, किसी का परसों है। तो ये बात आप हमेशा याद रखें कि हमें बुद्धि से जुड़ना है, साथ में हमें सभी दिव्य आत्माओं को अपने भीतर परम शांति रख के आत्मा की परम लाइट, परम प्रकाश को अपने भीतर उतारना है, आत्मा की शक्ति को जगाना है। मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम 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 आत्मा हूँ, इस बिलीफ के साथ, इस विश्वास के साथ अपने भीतर आत्मस्वरूप में रह के अपने अंदर हर पल परम प्रकाश, परम लाइट, जब तक आप यहाँ पे हैं, आश्रम में हैं, जब तक हम यहाँ पर हैं, अपने भीतर ये विश्वास जगाना है, ये बिलीफ रखनी है, ये परम लाइट, परम प्रकाश हमारे भीतर हर पल, प्रतिपल, एक एक सेकंड, सेकंड के 100वें भी भाग में, हर पल हमारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर में हमारे अंदर वो पावर आ रही है, वो शक्ति आ रही है, हर पल प्रतिपल। विजय उसी की होती है जो हर पल बुद्धि से, विश्वास से, आत्मा से जुड़ा रहे। जैसे आप एक आपके माता पिता से आप बंद आंखें बंद करते ही संकल्प करते ही कि मैं मेरे माता पिता को याद कर रहा हूँ, तो आप लौकिक जगत के माँ बाप की फोटो आपके सामने आ जाती है। वैसे ही जब हम आंखें बंद करके अपने बेहद के माँ बाप, आंखें बंद करके बेहद के माँ बाप हमारी आत्मा के रचयिता, उनको संकल्प से, एक ही संकल्प, बस बापू जी बोलो ना, एक हल्का एक संकल्प करना है और उनसे जुड़ जाना है। आंखें बंद की, एक संकल्प किया, एकदम पहले आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाना है और संकल्प करना है कि मैं अपने बेहद के माँ बाप के साथ, बेहद के पिता के साथ जुड़ चुका हूँ, जुड़ चुकी हूँ, हर पल पल मेरे भीतर परम प्रकाश, परम लाइट आ रही है, बेहद की परम 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 महाशांति आ रही है, मेरे भीतर बेहद की परम 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 महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है, महाशांति हो रही है। जैसे जैसे
हम अति गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे और गहराई में जाएंगे। प्रतिपल अनंत आनंद परम प्रकाश परम लाइट हमारे भीतर उतरती जा रही है, उतरती जा रही है, उतरती जा रही है। इस वक्त सभी बेहद की आत्माएं, चाहे वो स्थूल जगत में हो, सूक्ष्म जगत में हो, कारण जगत में हो, महाकारण जगत में हो, परम 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 लाइट परम प्रकाश से भरपूर हम हो रहे हैं। जो भी आत्मा सच्चे दिल से अपने रचयिता को याद करती है, वेद के परम पिता को, वेद के बाप को, जैसे ही वो याद करती है, विद इन अ सेकेंड अनंत ऊर्जा उनके भीतर भी जागृत हो जाती है। जैसे बापूजी कहते हैं कि हम सबके भीतर अनंत सूर्यों की शक्ति है, अनंत आनंद प्रकाश है, अनंत आनंद लाइट है, वेद की परम परम लाइट है, वेद का परम परम प्रकाश है। जैसे हम उनको याद करते हैं, वो प्रकाश विद इन अ सेकंड हमारे भीतर ही जागृत हो जाता है। चाहे आप कितने भी दूर हो, आपके सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर में अनंतानंत ऊर्जा आती है, अनंतानंत लाइट आती है, अनंतानंत प्रकाश आता है। आत्मा की संपूर्ण पावर सीधे हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर में आ रही है। हम सभी दिव्य आत्माएं रोग और शोक से मुक्त हो रही हैं। सबके भीतर अनंत ऊर्जा जागृत हो चुकी है, अनंत आनंद शक्ति हमारे भीतर जागृत हो चुकी है, परम प्रकाश हमारे भीतर जागृत हो चुका है, परम लाइट हमारे भीतर जागृत हो चुकी है। सभी के भीतर अनंतानंत ऊर्जा, अनंतानंत लाइट, अनंतानंत प्रकाश जागृत हो चुका है। सबके भीतर परम शांति, परम शांति, परम शांति हो रही है। मन संपूर्ण पवित्र बन चुका है, हमारा अंतःकरण एकदम शुद्ध हो चुका है। सभी आत्माएं योग में रहेंगी, थोड़ी देर में माँ आने वाली है, आंखें बंद करके
परम लाइट परम प्रकाश को अपने भीतर उतारते रहेंगे। सभी बेहद के विश्व सेवाधारी विश्व कल्याणकारी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले बेहद के सेवाधारी, सब बेहद के सेवाधारी हो ना, तो सेवा क्या करनी है? सारे विश्व में शांति फैलानी है, परम शांति के महामंत्र से शांति फैलाते रहना है और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अभी समय जो है, समय कौन सा चल रहा है? समय भी बेहद का चल रहा है, समय की स्पीड बेहद तेज है और फिर समय भी समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले समय से पहले हमें चलना है,
समय हमारी रचना है ना, हम थोड़ी समय की रचना है, समय हमारी रचना है। तो सभी बेहद के सेवादारी को, बच्चों को बेहद की सेवादारी माँ का बहुत सारा जात प्यार, ढेर सारा प्यार, क्योंकि आप सेवाधारी हो, विश्व का परिवर्तन करने वाले हो। हर एक में बाप दिखाई दे, हर एक में बापूजी दिखाई दे, हर एक में दादाजी दिखाई दे, ऐसी अवस्था हमारी बनानी है। हमें बाप का रूप धारण करना है। बाप का रूप धारण करने से हमारे अंदर जो भी बाप के अंदर गुण है, वो सारे गुण हमारे में आ जाएंगे। आज जो विशेष दादाजी का मिलन है, वो नज़रों से निहाल करेंगे। पहले ज्ञान दिया, पूरा ज्ञान दिया, ज्ञान पूरा हुआ और फिर मिलन भी धीरे धीरे कम हो गया, और अब जो आज मिलन होगा वो कौन सा मिलन होगा, वो नज़र से निहाल करने का जो वाणियों में बोला हुआ, जिन्होंने वाणियाँ पढ़ी हुई है उनको पता है। ये शब्द जो मैं बता रही हूँ, जो शब्द मैं बता रही हूँ, जिन्होंने वाणियाँ पढ़ी है उनको ये शब्द पता है। अंत समय में बाप नज़रों से निहाल करेंगे। तो आज दादाजी नज़रों से निहाल करने वाले हैं। अब समय देखो और वायुमंडल को देखो, दादाजी कहाँ से आए हैं आप इतना हम नहीं जानते जितना ऊपर वाले जानते हैं। उनके पास तो कैमरे लगे हुए हैं, उनके पास दूरबीन लगी हुई है, जो बेहद के ब्रह्मांडों में रहते हैं ऊपर में बेहद के, वो यहाँ सब देख रहे हैं, हमारे संकल्प भी कैच करते हैं। तो वो सब देख रहे हैं कि दादाजी क्या हो रहा है और क्या वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे, वापस कब आएंगे। उनको वापस बुलाने की खुशी है। दादाजी परिवर्तन करने गए हैं और अविनाशी परिवर्तन, अभी कौन सा परिवर्तन होना है। दोबारा कभी भी ये जन्म मरण का चक्कर कभी भी नहीं होना, कभी भी नहीं होना। अविनाशी होगा अमर लोक। अभी वायुमंडल जो है इसके अंदर दादाजी के संकल्प है ना, दादाजी का ज्ञान है ना वायुमंडल के अंदर, पूरे मल्टीवर्स में। तो जो बच्चे नए नए भी आते हैं वो जल्दी पकड़ के आ जाते हैं। तो रेज हैं दादाजी के, जो संकल्पों के रेज हैं वो उनको पकड़ लेते हैं और वो खींच लेते हैं, वो आत्मा को खींच लेते हैं। जो नई नई आत्मा कई कहती है हम अचानक आ गए, बीके में गए, फिर बीके में गए और फिर यहाँ आ गए, अचानक आ गए, तो वो कैसे आते हैं। तो दादाजी के जो संकल्पों का रेज है वो उनको पकड़ लेता है। जैसे कितनी भी भीड़ में कोई किसी का बच्चा खो जाता है तो वो ढूंढ लेते हैं ना, वो भी ढूंढ लेता बच्चा भी और माँ बाप भी ढूंढ लेते हैं। इसी तरह से दादाजी सब बच्चों को, बेहद के बच्चों को मैसेज भी दे रहे हैं और बच्चे आ भी रहे हैं और बेहद की सेवा भी कर रहे हैं। अभी जो सेवा का भाग्य अभी जो कमा लोगे, जैसे एग्ज़ाम के दिनों में कैसे पढ़ते हैं बच्चे, सारा साल नहीं पढ़ते मगर एग्ज़ाम के दिनों में तो कितनी मेहनत करते हैं। अभी हमारा भी यही समय है, हम जितनी मेहनत करेंगे, ऐसा नहीं है ऊंच पद पाना है, अभी ऊंच से ऊंच, अभी फर्स्ट भी आ सकते हो, सेकंड भी आ सकते हो, थर्ड भी आ सकते हो। तो जो आपकी इच्छा हो, चाहे कितनी भी आत्मा ज्ञानी ना हो मगर वो बापूजी को जान ले तो वो भी आगे जा सकती है। जल्दी प्रसारित कर ले, जल्दी वीडियो देखे, नीचे बैठ जाए,
एक बार बाप के ऊपर, तो वो भी आगे जा सकती है। हर कोई आगे जा सकता है, आप भी जा सकते हो, आप भी जा सकते हो, जितना चाहो कमाई कर सकते हो। अभी कमाई का समय है। अभी दादाजी को कैसे, दादाजी आएंगे तो कैसे देखोगे? दादाजी को चित्र में, जो साकारी चित्र है, साकारी चित्र के अंदर आकारी रूप को भी देखना है। आकारी रूप अंदर, अंदर वाले रूप को देखना है, चित्र के अंदर विचित्र को देखना है, और फिर विचित्र के अंदर निराकारी जो आत्मा है मस्तक के अंदर, वो अपनी आत्मा समझ के सब बैठना है। क्या जब दादाजी आएंगे तो क्या करना है? अपने आप को आत्मा समझना है, शरीर भूल जाना है। ऐसी अवस्था पहले से ही बनाओ दादाजी के आने से पहले। समझ में आ रही है मैं बात तो कह रही हूँ? अपने आप को आत्मा समझो, और आत्मा समझ के दादाजी के मस्तक से पावर लो। सिर्फ मस्तक में देखते जाओ, दादाजी के मस्तक में देखते जाओ। अभी देखो धीरे धीरे, अगर दादाजी का मिलन ना हुआ तो जो आपके घर में चित्र है, दादाजी का चित्र है ना, तो चित्र में से भी आपको रह जाएंगे। ऐसा आगे होने वाला है जादू। वाणियों में बोला हुआ है, कोने कोने में, कोने कोने में जादूगर होंगे। क्या दुनिया के कोने कोने के अंदर जादूगर? तो आपको जादू का काम करना है। जादू, जादू आता है करना? ये देव के संबंध है ना, ये सब खोटे सिलसिले हैं, कई जन्मों के, कहाँ से भटके भटके मिल जाते हैं जहाँ के। किसी ने दुख दिया, किसी ने सुख दिया, और देव और देह के संबंधी, कोई बाप, कोई बेटा, कोई माँ, कोई बहन, सब ऐसे बन जाते हैं, बाकी कोई किसी का नहीं है। अभी ये जान लो, दादाजी के सिवा कोई भी काम नहीं आने वाला है। बाप ही काम आएगा, बाप की याद ही काम आएगी, बाप की याद ही कमाई है। कैसे याद करना वो मैंने समझाया आपको। अभी दादाजी आएंगे तो पावर कैसे लोगे? दादाजी के मस्तक से पावर मिलेगी, और दादाजी चले जाएंगे तो आपको फोटो में से पावर मिलेगा, फोटो में से रेल निकलेंगे, आपको महसूस होगा कि फोटो में से चुंबक आ रही है, चुंबक की शक्ति आ रही है, आप फील करोगे, महसूस करोगे। तो अभी जो मेन बात है, दादाजी आधा घंटा बैठने वाले हैं यहाँ, 10 मिनट ज़्यादा बैठेंगे, मगर आपको क्या करना है, इतनी ही देर जब तक दादाजी बैठे हैं आपको हिलना भी नहीं है, किसी को याद भी नहीं करना है, सिर्फ दादाजी के मस्तक में से लाइट लेनी है, और दादाजी के चित्र को, चित्र में विचित्र देखना है। विचित्र, विचित्र जो पावर है जिसका चित्र किसी ने देखा नहीं, वो है विशेष, विशेष पावर, विशेष चित्र, उसको देखना है। अभी सब अपने आप को भूल जाओ, और आत्मस्वरूप में स्थित होके दादाजी के आने से पहले शांति के वाइब्रेशन फैलाओ मन के अंदर, मन परम शांति, परम शांति मन के अंदर करते चलो। और दादाजी जितनी देर बैठेंगे, आपको भी अव्यक्त में, आपको भी क्या करना है, सबको, जितने भी बच्चे बैठे हैं, शरीर को भूल के अव्यक्त स्वरूप धारण करना है। ये तो कर सकते हो ना कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, व्यक्त में अव्यक्त शरीर धारण करके, और फिर दादाजी से पावर लेना है। एक्यूरेट पावर कैसे आएगी? और अब नहीं तो फिर कब नहीं? अब नहीं तो फिर कब नहीं? जो कुछ करना है भी करना है। बेहद की कमाई, बेहद की कमाई, बेहद का समय, बेहद के दादाजी, वो अभी है, फिर नहीं होगा। अब कब, कब तक मिलन होगा ये मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती कुछ भी, कब होगा या ना होगा।
वो तो समय समय बताएगा। समय आपके हाथ, आपके हाथ में है समय। समय को आप नजदीक ला सकते हो। एक मानी पढ़ी थी मैंने, दादियों को बाबा ने बोला कि तुमने समय, समय तुम्हारी रचना है ना, तुम समय की रचना हो। समय तुम्हारी रचना है ना, तो तुम समय के समीप जा रहे हो या समय तुम्हारे समीप आ रहा है। तो यहाँ भी हमारे यहाँ भी बच्चों को यही पूछना है कि समय तुम्हारे पास आ रहा है या तुम समय के पास जा रहे हो। समय को समीप हमें लाना है, हमें प्रसाद करना है। दादाजी को जितना जाप करेंगे कर्मयोगी बनना है। और जब भी टाइम मिले व्यक्त में अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनना है। जो भी देखे वो क्या देखे, वो ऐसा देखे कि ये यहाँ पर यहाँ नहीं है, ये कहीं खोया हुआ है। जो आपको देखे वो क्या सोचेगा, ये यहाँ नहीं है, ये कहीं खोया हुआ है। आपको ऐसे देखे, ऐसे महसूस करें और आपके आपके पास आके आपके सामने आके उसको ऐसा शांति का अनुभव कराओ। आपके घर में कोई आए, आपके सामने आए, तो आप शांति का अनुभव कराओ कि बेहद की शांति। वो शांति देख, शांति लेनी है, सच्ची शांति, सच्ची शांति वो इनके पास मिलेगी। ऐसा बोलें, ऐसा वो महसूस करें आपकी पावर को। जब आप दादाजी का रूप धारण करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पावर आपके अंदर आ जाएगी। तो सामने वाले महसूस करेंगे, सामने वाले सोचेंगे कि ये कितनी पावर है, कितनी एनर्जी है, कितनी चुंबक है। आपके पास से जाने का मन नहीं करेगा किसी का, कहेंगे नहीं हमें यहाँ ही रहना है। अब आगे ऐसा भी समय आएगा, ऑफिस जैसे टेंटों में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा आपको, ना धूप ना छांव, कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। ऐसी अवस्था बनानी है। अभी से सब आत्म स्वरूप में परम शांति की अवस्था में सब बैठ जाओ। दादाजी आने वाले हैं, समय कितना समय पता नहीं, कितना बापूजी आने वाले हैं ना। शांति से बैठो सब, शांति परम शांति आत्म स्वरूप में बैठो सब। अपने आप को आत्मा समझो, अपने आप को फरिश्ता समझो, सबको फरिश्ता देखो। परम शांति सबको आंखें बंद कराते हैं मेडिटेशन। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सभी दीदी आत्माएं अपनी अपनी आंखें बंद करें, एकदम रिलैक्स होके Thank you.
पास हो गए। कुष्मा बेहद की सबरी बेहद की त्यागी पहली बार आ रही हूँ। देवी बेहद के बेहद की त्यागी तपस्वी सारा जीवन विश्व कल्याण के लिए लगा, इतना बड़ा बेहद के बेहद का भी नहीं बेटा आपकी है, आप ही कर रहे हैं, ये कुछ नहीं हो, आपकी है सब कुछ। परम शांति प्रतिभा, तुमने तो अपनी प्रतिभा को दिखा दिया। हाँ, बहुत त्याग तपस्या सेवा, सेवा से भाग्य बन जाता है ना बेटा, त्याग तपस्या भाग्य, सबकी सेवा करना। बेहद के त्याग, बेहद के तपस्वी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी, ऐसे लाडले और प्यारे बच्चे, सभी बच्चे बहुत ही अनमोल रत्न है। जिनको ज्ञान से, जो ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान से अपने आप को भी जानते हैं, बेहद का ज्ञान जिनको समझ में आता है वो बेहद के बच्चे हैं। बेहद का अविनाशी ज्ञान, बेहद की कला के ब्रह्मांडों का ज्ञान जिनको समझ में आता है वो बेहद के बच्चे हैं।
बाकी जहाँ तक मल्टीवर्स समझ में आता है, मल्टीवर्स तक ज्ञान बुद्धि में आता है, तो वो 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा है। इसलिए आज सभी बच्चों को कहते हैं कि ज्ञान सागर में डूबो, जितना ज्ञान होगा इतना ही योग लगेगा, जितना ज्ञान योग होगा इतना ही सेवा होगी, इतना ही धारणा मूर्त बनेंगे, नहीं तो धारणा मूर्त नहीं बनेंगे। ज्ञान योग सेवा और धारणा चारों सब्जेक्ट में मास्टरी जिनकी होगी, ऐसे बच्चे आगे नंबर ले जाएंगे। जिनके पास ज्ञान योग सेवा धारणा, जो बच्चे अभी भी सभी को गिफ्ट देंगे, जो अभी भी बच्चे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो की सेवा कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं, इन सभी बच्चों को 25% पावर गिफ्ट देते हैं। जो ऑडियो और वीडियो बनाते हैं उनको एक एक ऑडियो और वीडियो पर 1% पावर मिलेगा। 100 बनाया तो 100% पावर, 200 बनाया तो 200, 500 बनाया तो 500, 1000 बनाया तो 1000, 2000 बनाया 2000% पावर मिलेगा। क्योंकि यही सभी ज्ञान अंत में सब सुनेंगे, सारी दुनिया सुनेंगे। अभी चैनलों में जो रिकॉर्ड होता है वो सभी अंत में सारी दुनिया सुनेगी। जितनी भी चैनल चलाएंगे अंत में तो सारे अपनी चैनलों में चलाएंगे। और जो बच्चे हमारे 5 चैनल मेन मैंने मुकरर किया है, एक तो मेन चैनल है, दूसरी चैनल है परम शांति मेडिटेशन मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, एंड तीसरी पॉडकास्ट की चैनल है अनंत पॉडकास्ट की चैनल है, और एक ब्रह्मा माँ की है। जो माँ के दिल पर चढ़ेंगे वो बाप के दिल पर चढ़ेंगे, जो माँ के दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो बाप के दिल पर नहीं चढ़ेंगे, ये समझ में याद रख लेना। इसलिए माँ की चैनल, इसमें ज्ञान के अनमोल मोती हैं। माँ की चैनल, उसमें ज्ञान के अनमोल मोती हैं। और लास्ट एक चैनल मैंने बनवाई थी, इंग्लिश चैनल, वो भी क्या नाम है, जील पटेल, अमेरिका में रहती है बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची, उससे मैंने बनवाई थी। तो 5 चैनलों का जो सारी वीडियो को लाइक करने वाले हैं, जिन्होंने लाइक किया है 5 चैनलों को, एक एक वीडियो को लाइक किया है, उसको 25% पावर गिफ्ट मिलेगी। ये सब गिफ्ट दे रहा हूँ, रेगुलर तो सब मिलना ही है, रेगुलर तो आपके अकाउंट में जमा ही होगा, मगर ये एक्स्ट्रा गिफ्ट दे रहा हूँ। सारी वीडियो 5 चैनल की सारी वीडियो लाइक करने वालों को 25% पावर गिफ्ट मिलेगा। अच्छी उसमें कमेंट करने वाले, सारी चैनलों में अच्छी कमेंट करने वालों को 50% पावर मिलेगा। और सारी चैनलों की वीडियो धीरे 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 करके अपने ग्रुप में शेयर करने वालों को 100% पावर मिलेगा। और ये 3 दिन में जो भी बच्चे मिलेंगे, ये 3 दिन में जो भी बच्चे मिलेंगे, इनको बेहद के बाप और दादा की ओर से ये सब डबल हो जाएगा। ये तो आपको दादा की ओर से गिफ्ट दे रहा हूँ, इतना ही डबल आपको बाप की ओर से भी मिलेगा। पचास परसेंट पावर दादा की ओर से, 50% पावर बाप की ओर से, तो बेहद के बाप और दादा की ओर से 100% पावर जो 3 दिन में मिलेंगे, 3 दिन में मिलेंगे इनको मिलेगा। और जो सेवाधारी बनकर आए हैं उनको भी अंत में लास्ट डे में
बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा, जो से 3 दिन सेवा करेंगे, जो 4 दिन 5 दिन से लगे हैं, दिन के हिसाब से सेवा मिलेगी, सेवा का भाग्य बनेगा दिन के हिसाब से। जिसने 5 दिन किया, 4 दिन किया, 3 दिन किया, 10 दिन किया, क्योंकि यहाँ तो बेहद का भाग्य बनाना है, बेहद का भाग्य बनाना है, बेहद का अविनाशी भाग्य, जिनका कभी विनाश नहीं होता। हद के तो कर्म करोगे तो हद के कर्म एक बार भोग लिया, संचित कर्म बन के अगले कर्म जन्म के लिए संचित कर्म रिकॉर्ड हो गए। तो ये तो बेहद के अविनाशी आत्मा की परम लाइट मिलेगी। क्या कमाई करनी है आपको, क्या कमाई कर रहे हो? आत्मा की परम लाइट की कमाई। ऊपर में तो परम लाइट की कमाई काम आएगी, ये कोई हद की कोई चीज काम में नहीं आएगी। और जो धन की सेवा करते हैं अभी, क्योंकि ज्ञान दान महादान करने के लिए धन की सेवा बहुत बड़ी सेवा है, जो धन की सेवा करते हैं उनका तो बहुत बड़ा भाग्य बनता है। सबसे बड़ा भाग्य इसी टाइम पर ज्ञान दान महादान, सारी दुनिया में जो ज्ञान फैलाते हैं और लोग जो धन की सेवा करते हैं उससे बहुत बड़ा भाग्य बनता है, बहुत बड़ा। क्योंकि तन मन तो लगता नहीं है, तन मन धन 3 शक्ति है। मन तो इधर माया में भटकता रहता है, 1 मिनट भी स्थिर नहीं है, मन तो बिल्कुल लगता ही नहीं है, मन तो माया में भटकता है। धन एक ऐसी शक्ति है, धन के द्वारा सारी दुनिया में ज्ञान जाता है। तो इसी वक्त जो ज्ञान दान महादान करने के लिए जो धन की सेवा करते हैं वो बहुत बड़े बेहद का अविनाशी भाग्य बना रहे हैं, क्योंकि इनका तो यहाँ हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये गुप्त दान है, गुप्त दान महादान। मगर ये गुप्त दान महादान जब अंत में जो बीके पीबीके से होकर आ रहे हैं ना, उनको क्या बोला है? बोला हुआ है ना, बीके पीबीके में कौन वाणियां चलाता है? बेहद के बच्चों के लिए बेहद का आकारी बाप छोटूराम में वाणियां चलवाता है, खुद नहीं चला चलवाता है, कृष्ण वाली आत्मा के द्वारा। मगर वो पत्थर बुद्धि बन गए, जानवर बुद्धि बन गए, 5-4 साल के वर्ल्ड ड्रामा में फंसे पड़े हैं, झूठ में फंसे पड़े हैं। अंधे की औलाद अंधे कहा है तो भी नहीं सुनते, क्या बोला है? अंधे की औलाद अंधे तो भी नहीं सुनते। अब तुम देखो 800 करोड़ में तुम बैठे हो, कितने कितने बेहद के अविनाशी भाग्यशाली हो, पद्मापदम भाग्यशाली, बेहद के पद्मापदम भाग्यशाली। अंत में देखो बीके में वाणियों में क्या बोला है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का ड्रामा का आदि मध्यंत का राज समझाता है, हद की बातें हद के मनुष्य करते हैं। हद और बेहद क्या है वो तो सब जानते ही हैं, ज्ञानी है बेहद के ज्ञानी है, तो बेहद के ज्ञानी हद और बेहद में तो अंतर करते ही हैं। तो आने वाले समय में बेहद का अविनाशी भाग्य जो बनाएंगे, ज्ञान योग सेवा धारणा, ज्ञान योग सेवा धारणा, जो चारों सब्जेक्ट में बहुत आगे जाएंगे, चारों सब्जेक्ट में ज्ञान योग सेवा धारणा में जो आगे जाएंगे उनकी 108 की माला बनेगी, 108 बेहद की आत्माओं की, और 108 मल्टीवर्स की, मतलब 100 कला के ब्रह्मांड की आत्माओं के लिए। तो 100 कला की मल्टीवर्स की आत्माओं की जो ज्ञान योग सेवा धारणा में होगा वो 108 पुरुष और 108 प्रकृति, 216 ऐसी आत्माएं मल्टीवर्स के मालिक बनेंगे, और 108 बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे, 108 पुरुष और 108 प्रकृति बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। तो सभी को बहुत आगे बढ़ना है, बेहद के विश्व के मालिक बनना है, क्योंकि अभी तो बहुत कम है, आगे लास्ट डे तक, लास्ट डे में भी आने वाला जब रिजल्ट अनाउंस होगा बेहद के विश्व के सामने, तुम केवल
यहाँ नहीं प्रत्यक्ष होंगे, बेहद के विश्व के सामने, बेहद की अंतिम समय में बेहद के विश्व के सामने प्रत्यक्ष होंगे। बेहद की आत्माएं 108 बेहद के विश्व के सामने प्रत्यक्ष होंगी और वो सब समझेंगे कि ये बेहद के विश्व के मालिक तैयार हो गए हैं। और बेहद के विश्व के मालिक तैयार होते ही सब कुछ एक दिन में परिवर्तन हो जाएगा। लास्ट डे तक। इसलिए सभी को 108 को बेहद के विश्व के मालिक बनना है। बाकी तो जाएंगे सब बेहद के कला के परमधाम में, बेहद की कला के परमधाम में तो 9 लाख भी जाएंगे, 16,000 भी जाएंगे, 1008 भी जाएंगे, सब जाएंगे, स्पेशल क्वालिटी की आत्माएं भी जाएंगे। मगर ये सब लास्ट मोमेंट में जो बीके वालों को बोला हुआ है, सब वाणियों बीके वालों की वाणियां रिपीट होनी है। बेसिक फाउंडेशन वही है, मगर वो पत्थर बुद्धि बन गए, जानवर बुद्धि बन गए। बीके वाले क्या बन गए 5-4 साल के वर्ल्ड ड्रामा में? पत्थर बुद्धि। पहले बाप ने ये सोचा था पूरा ऊपर सूक्ष्म तन में जब ड्रामा बनाया तो बच्चों को बेसिक ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान, वहाँ आत्मा 1936 से आत्मा का पाठ पक्का किया जा रहा है, मगर आत्मा की कट अभी उतरी नहीं है उनकी। इसलिए मगर अंत में जागेंगे, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डे पे तो इतना कोई भाग्य नहीं बना पाएंगे। बेहद के अविनाशी भाग्य 108 और 24, 108 के अलावा 24, 108 के अलावा 24 होंगे, वो बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। केवल बेहद के विश्व के नहीं, 24 जो आत्माएं हैं वो 24 पुरुष 24 प्रकृति 48 आत्माएं बेहद की विश्व की मालिक बनेगी। अंत में सब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, सारा रिजल्ट डिक्लेयर अंत में होगा। हर कोई देखेंगे हमने कौन सा पुरुषार्थ किया। लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, अभी भी लास्ट डे तक जब तक रिजल्ट बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा तब तक ये रिजल्ट आउट नहीं होगा। लास्ट डे जैसे बाप प्रत्यक्ष होगा उसी दिन रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। बाप और बच्चे सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बाप और बच्चे सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। इसलिए बेहद के विश्व सेवाधारी बनो, बेहद के विश्व सेवाधारी बनकर बेहद के विश्व कल्याणकारी बनो। बाकी तो गीता में जो क्या कहा है आप सब समझते हो, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, मगर नहीं तो फिर कहाँ आएंगे अपने लिए जीने वाले जानवरों की लिस्ट में आएंगे, कहाँ आएंगे? न चाहते हुए बोलना पड़ता है, लौकिक माया में जो फंसे हैं, देह और देह के संबंधों में फंसे हैं, लोकलाज छोड़ो, मीरा बनना है। क्या बनना है? बेहद की मीरा। क्या? बेहद की मीरा बनना है, लोकलाज छोड़ो, देह और देह के संबंध। गीता में क्या बोला है? तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हें अंत में ऊंचते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तभी समय बहुत कम है, बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप सभी बच्चों को वेटिंग कर रहा है। बेहद के विमान तैयार हैं सभी बच्चों के लिए, 33 कोटि देवी देवताओं के लिए भी, उनका बाप भी आया है, उनका दादा भी आया है, दोनों आए हैं, सब ले जाएंगे। तो आप सोचो कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, क्या मल्टीवर्स के मालिक बनना चाहते हो, या बेहद के विश्व का मालिक बनना चाहते हो, या बेहद के विश्व का मालिक बनना चाहते हो? 3 कैटेगरी है, बेहद का विश्व का मालिक 24 पुरुष और 24 प्रकृति बनेंगे, वो कितना तपस्या करेंगे। बेहद का विश्व का मालिक, केवल बेहद के विश्व का मालिक नहीं, बेहद के विश्व का मालिक तो एक ही ब्रह्मांड होता है उसका, बेहद का एक ब्रह्मांड, मगर बेहद की कला के अनंत अनंत ब्रह्मांड है, बेहद की कला के भी अनंत अनंत ब्रह्मांड है, उसके मालिक बनेंगे 24। इसलिए आज ये सबको बता रहा हूं
अब ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो, सेवाओं में लग जाओ, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, क्या समझ में आ रहा है ना? सेवा करोगे ना, ज्ञान दान महादान दोगे ना, हाँ कितने करेंगे, हाथ उठाओ तो, सेवा 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 सेवा, विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवादारी, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, सब कुछ स्वाहा, विश्व कल्याण के लिए सब कुछ स्वाहा। कि अपने बच्चों के, लौकिक बच्चों के लिए बचा के रखोगे, ऐसी परम लाइट घर में उतारो इतनी कि घर वाले भी बदल जाए, सब ज्ञान में चले, वो भी सब ज्ञान में चलने लग जाए। स्व परिवर्तन कर लो ना, तुम्हारे आत्मस्वरूप बन जाएगा, ओरा इतना होगा कि घर में पूरा ओरा बदल जाएगा, तो घर में रहने वाले भी परम शांति बोलेंगे, सुधर जाएंगे, ऐसे असुर भी सुर बन जाएगा, महाभोगी भी महायोगी बन जाएंगे। तुम्हें सबको बदलना है, सारी दुनिया बदलनी है। चैरिटी बिगिंस एट होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, घर से आगे सभी बच्चों को जान बदलना है, सबसे पहले घर को बदलना है। चैरिटी बिगिंस, बच्चों को, सभी को बदलना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, नष्टो मोहा, देह और देह के संबंधों में फंसोगे और उसमें टाइम और एनर्जी वेस्ट करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए पहले ही बोला हुआ है, जो बीके में मेन फाउंडेशन है, यही सिखाया जाता है, तुम मेरा बनो, तुम मेरा हो, यहाँ बेहद की मेरा बननी है तभी तुम्हारा भाग्य बनेगा, ऐसा नहीं हा? तुम्हें राम भी चाहिए और काम भी चाहिए। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। मगर इनको भक्ति मार्ग वालों को तो पता ही नहीं है कि जिनको ये, जिनसे ये कहते हैं विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा, मगर ये तो सबसे बड़ा भोगी तो देवता है इंद्र, तीनों लोक का राजा इंद्र सबसे बड़ा भोगी है, और इनसे ही भोगियों को कह रहे हैं कि विषय विकार मिटाओ देवा। यहां तो बेहद के परम, तो बेहद का परम आनंद स्वरूप में रहने वाली आत्मा है, बेहद के परमानंद स्वरूपम, बेहद के सिद्ध आनंद। ऐसा समय आ रहा है अभी, सबसे ज्यादा बोला हुआ है, बार बार बोलते हैं, बीके की जो वाणियां पढ़ी वो प्राइमरी है, वो बेसिक है, कंसेप्ट है ज्ञान योग सेवा धारणा का, मगर वही फंस गए, तुम आ गए वो रह गए, मगर वो आत्मस्वरूप की बहुत अनुभूति कर रहे हैं। और जिनको एक ज्ञान मिला, एक दिन में ज्ञान योग सेवा धारणा में नंबर वन चले जाएंगे। बहुत त्यागी तपस्वी आत्माएं वहां बैठी है, निकलेंगे एक दिन, मगर वो फिर तुमसे आगे जाना, तो फिर अब अभी तुम्हें चांस मिला है, अभी तुम्हें चांस मिला है, सबको चांस मिला है, फिर ना कहे मेरे को चांस नहीं मिला, मेरे को चांस नहीं मिला। इसलिए कहते हैं किसने आना है, कहाँ जाना है, क्या कमाई करनी है, सोच लो। सभी बच्चों को एक गिफ्ट दे रहे हैं, जितना दादा देगा इतना बाप भी देगा। बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप वेटिंग कर रहा है, जल्दी बच्चों का इंतजार कर रहा है। अब सब इंतजार खत्म करो, समय को समाप्त करो, क्या समय को समाप्त करो। सभी को इतनी हेल्पलाइन मिलेगी अंत में, केवल एक बेहद के बाप और दादा को याद करेगा, एक सेकंड में हेल्पलाइन मिलेगी, एक सेकंड में 10 कला का परम लाइट का रूप उसके सामने, उसमें प्रवेश कर जाएगा, और एक सेकंड में तुम्हें इतनी हेल्पलाइन मिलेगी, इतनी हेल्पलाइन मिलेगी कि तुम एक सेकंड के अंदर लाइट स्वरूप बन जाओ। बाकी तो माया, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो पटाखे की तरफ परमाणु बम तो फटने वाले ही, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है, रोकने वाले ही सोए पड़े। बेहद के 9 लाख बच्चे रोकने वाले हैं,
मगर वो तो सोए पड़े, अब कौन रोकेगा उसको? बेहद के बच्चे परम शांति के वाइब्रेशन से रोक सकते हैं, बेहद के बच्चे, मगर स्व परिवर्तन करके आज जो भी बच्चे आए हैं इनको एक वरदान देता हूँ, अंत में तुम्हारा घर भी लाइट हाउस बन जाएगा। जो भी बच्चे तीन दिन में मिलेंगे, जो भी बच्चे तीन दिन में मुझे मिलेंगे उसका घर भी लाइट हाउस बन जाएगा। कोई भी कैसी भी आत्मा होगी, कोई भी कैसी भी आत्मा होगी, तीन दिन में मुझे मिलेगा, उसका घर अंतिम समय में, लास्ट मोमेंट में जब परमाणु बम चलते होंगे और उसका घर लाइट हाउस बन जाएगा, परम लाइट हाउस, वो भी 10 कला का परम लाइट हाउस, वो भी 10 कला का। पहले 4 कला का बोलते हैं मगर रिफाइन हो गया, 10 कला हो गया, 10 कला का, 10 कला का परम लाइट का घर लाइट हाउस बन जाएगा। इतनी तड़पती हुई आत्मा है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों आएगी, इतनी तड़पती हुई आत्मा आएगी तुम्हारे घर में लाइट हाउस में, आते ही एक पल के अंदर एकदम शांत हो जाए। तो तुम्हें फायर ब्रिगेड बनना है, बन रहा है ना फायर ब्रिगेड? कितने बन रहे हैं फायर ब्रिगेड? क्या सभी बच्चे, तुम चाहो ना चाहो तो भी बाप तुम्हें बना देगा, तुम चाहो ना चाहो, एक और माया खींचेगी, एक और बाप खींचेगा, फिर माया का ऐसा डंडा मिलेगा, ऐसा डंडा मिलेगा, फिर डंडा खा के आओगे क्या? और तुम बच्चों को बाप के प्यार में, बेहद के बाप और दादा का प्यार, इतना पावर मिलेगा, इतना प्यार और पावर मिलेगा कि आप तड़पती हुई आत्माओं को, विदेश में रहते हैं तो विदेश में भी वो लाइट हाउस बनेंगे, विदेश में जो भी बच्चे रहते हैं इनको, यहाँ जो स्वदेश में जो बच्चे रहते हैं इनसे डबल पावर मिलेगा, विदेश वालों को जो भी मिलेगा, चाहे बाप भी दे चाहे दादा भी दे, जो भी वरदान भी मिलेगा उसको डबल वरदान मिलेगा, क्योंकि विदेश वालों को तो बहुत बड़ा पावर चाहिए, वहाँ लाइट हाउस बहुत चाहिए। विदेश वालों को 10% की बजाय 20% पावर मिलेगा, क्योंकि वहाँ लाइट हाउस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ लाइट हाउस बहुत ज़्यादा चाहिए। विदेश वालों को जो भी गिफ्ट मिलेगी, आज भी जो गिफ्ट दे रहा हूँ वो डबल हो जाएगी, पावर हो जो भी गिफ्ट मिलेगी, पावर की गिफ्ट डबल हो जाएगी विदेश वालों को। और जो दूसरे धर्मों से आए, कोई मुस्लिम से आए, कोई क्रिश्चियन से आए, तो इनको ये डबल पावर भी, इससे भी डबल हो जाएगी, क्योंकि क्रिश्चियन और मुसलमान भी ये ज्ञान को, उसी धर्म में बेहद की आत्मा गई है, तो वो तो वहाँ रहकर, जैसे कोई बांग्लादेश आया, कोई कहीं भी क्रिश्चियन आया, मुसलमान आया, तो उनको यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल है। आए ना बांग्लादेश वाले, उठाओ तो जरा, कौन आए बांग्लादेश से? तो देखो ऐसे बच्चे जो मुसलमान देश में, मुसलमान घर में रहकर इतनी बड़ी सेवा करते हैं, इतनी बड़ी सेवा करते हैं, चैनल भी चलाते हैं और इतनी सारी वीडियो में क्या क्या करते हैं, है बेटा सानित्य, क्या नाम? सिनिथिया, नूर, नूर जहां, अच्छा नूर जहां, अच्छा है नूर जहां ही रखो भाई, नूर जहां ठीक है, ये सानिथिया भानिथिया मेरे को याद नहीं रहता, ये नूर जहां ठीक है, सारे जहां का नूर पाली है ना, माई तीना है ना बांग्लादेश से। देखो लोग, देखो मुसलमान घर में मुसलमान बच्ची चैनल चलाती हैं बांग्ला में, ये मुसलमान बच्चा कितना बड़ा काम करता है। इस उनकी माँ सबसे पहले आई थी 2016 या 17 में, 2018 में, हाँ कहाँ कहाँ से ढूंढ के आई बच्चे, देखो एग्जाम्पल है तुम बच्चों के लिए, एग्जाम्पल है, कितनी परेशानियां उठाते हैं तो भी हिम्मत नहीं आते, गला काटने की नौबत आती है, ऐसी परेशानियों में रहते हैं। आपको तो पता है ना मुसलमानों का,
इस्लाम खतरे में है। आप अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय सारी दुनिया में जितने भी धर्म मठ संप्रदाय है आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को मारकर ही खत्म हो जाएंगे, भूत बन जाएंगे। फिर आपस ही लड़कर मर खत्म हो जाएंगे, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या होगा? हाँ, कोई बचेगा? सब अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय सब सब खत्म हो जाएंगे, कोई मनुष्य नहीं बचेगा। पांच तत्व होगा, केवल लाइट ही बचेगी, परम लाइट ही बचेगी, आत्मा ही बचेगी। क्या बचेगी? आत्मा ही बचेगी, आत्मा ही बचेगी। धरती पर नहीं, मेरे ब्रह्मांड में, आकारी लोक में, ऊपर के लोक में, भूपुर लोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, नीचे सात पाताल लोक, दो पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, मल्टीवर्स तक, केवल आत्मा ही बचेगी। पांच तत्व तो बचने वाले नहीं है, पांच तत्व को तो काल अग्नि जला के भस्म कर देंगे। पांच तत्वों के लिए क्या है? काल अग्नि। पांच तत्वों के लिए तो महाकाल अग्नि, उसको जला के अग्नि तत्वों में परिवर्तन करेगा, और अग्नि से भी परम अग्नि, परम अग्नि से फिर परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सब सुन रहे हो ना? ज्ञानी हो ना? समझ रहे हो ना? इसलिए हाहाकार और जय जयकार, हाहाकार और तुम्हारा क्या होना है? क्यों होना है? क्या किया तुमने? किया तो कुछ नहीं, आगे बैठ गए ऐसे। हाँ, बेहद का ज्ञान से तुमने, बेहद की बुद्धि, बेहद का ज्ञान, बेहद का योग, बेहद का प्यार तुमने पाया। क्या पाया? छोटी और कुछ क्या रह जाता? कुछ देना है? कुछ बच्चों को देना है? कुछ मेरे को तो याद नहीं है, कुछ भूल जाता हूँ ना मैं, इसलिए मुश्किल हो जाता है। आत्मस्वरूप बैठता हूँ तो फिर बच्चों को देना को होता है, भूल जाता हूँ। कुछ देना हो तो बोल दो, बच्चों को बोल दो जो देना। विदेश से जो आए नई आत्माएं आप एक बार मिल लीजिए। हाँ, वो खड़े कर दो, विदेश वाले जो आए हैं, विदेश वाले जो नए बच्चे आए, नए आए हैं वो थोड़ा आगे आ जाए, विदेश वाले बच्चे यहाँ आई आधा रहा, कोई बात नहीं, यहाँ जा, कोई बात, विदेश वाले बच्चे। हाँ, उनके लिए वाणी चली बीके में, विदेश वालों के बच्चों के लिए। चलो सभी आ जाओ, बच्चे विदेश वाले सभी आ जाओ धीरे धीरे। बाबूजी कैमरा ना एक बार मिलके फिर आप भी पुरानों को बुलाते हैं, अभी नए वाले आ जाओ फिर पुरानों को बुलाते हैं, क्योंकि विदेश वाले बच्चे कितने विदेश में दूर में रहकर भी ज्ञान से और कितनी मुसीबतें लेकर आए हैं। कई बच्चे तो नहीं आए हैं। ये ब्रह्मा कुमारी मोना बहन और ब्रह्मा कुमारी थे कितने साल? पांच साल। जो ब्रह्मा कुमारी में थे तो ज्ञान के अनमोल रतन वाणियों में हैं। हर वाणी में बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, हर वाणी में। वो गीता बहन है, बेल्जियम से आए हैं। बेल्जियम से? कैलिफोर्निया से। थोड़ा थोड़ा परिचय दीजिए, नाम तो कैलिफोर्निया से हैं। कैलिफोर्निया से कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं। वो बेल्जियम से, गीता बहन। बेल्जियम से गीता बहन। न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड। अच्छा, सिंगापुर? अच्छा, दुबई। अपना अपना देश का नाम दो। आप सिंगापुर? ज्ञान समझ में आते हैं सभी? दुबई से, वो पीछे दो ना, दुबई से आए। दुबई से? अच्छा, यूएसए? नेदरलैंड से। नेदरलैंड? ओ, इस बार तो काफी बच्चे। जर्मनी? सभी वैरायटी बच्चे हैं, वैरायटी फूल बच्चे हैं, वैरायटी। हाँ हाँ, लंदन वाले बाला। अब आप जाओ। हाँ, अब दूसरे पुराने वाले भी आ जाओ, विदेशी वालों, विदेश वालों को।
आ जाओ, कोई बात नहीं, कैमरा थोड़ा साइड में थोड़ा कर, थोड़ा आगे आ जाओ, फिर इतना चांस कहाँ मिलेगा है। आशा, आशा तो आशा सिकंदर है, दोनों तो आशा सिकंदर 2016 अक्टूबर में एक घंटा मेरे से पर्सनली मिली थी आशा सिकंदर है, बहुत बड़ा भाग्य बना लिया। पुष्पा, हाँ पुष्पा बीके की सेंटर में जाके लड़के आई थी, अब जाके लड़ना, बुक दे आना वर्ल्ड ड्रामा का। मैं गई थी, वो दरवाजा ही नहीं खोलते, वो मैं जब मुझे देखते हैं वो भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। बापूजी किरण बहन, किरण बाला, बाला, हाँ किरण तो बहुत बड़ा भाग्य बना रही, किरण बाला बहन, किरण भी बहुत बड़ा भाग्य बना रही, बहुत बेहद के बेहद का अविनाशी भाग्य बना रही किरण तो। बाला, उनकी बेटी पीछे रेनु दीदी, रेनु हाँ कनाडा से आए हैं, क्या नाम, नहीं नहीं ये कनाडा से, सुखदीप, सुखदीप यूएसए से आए, यूएसए से, आभा 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 शुक्ला, परम शांति, रमीला, हाँ रमीला बच्ची बहुत प्यारी बच्ची, हाँ बहुत प्यारी बच्ची रमीला, हाँ अनमोल हीरा है, सिकंदर बहन, सिकंदर फिर सिकंदर की बच्ची है, सिकंदर सुरेंद्र बहन और नरेंद्र बहन दोनों सिस्टर्स हैं ना, वो सुरेंद्र नरेंद्र पहली बार आए, यहाँ पे पहली बार आया, पिछली बार नहीं आया, पहली बार नहीं में आए थे, पिछली बार नहीं आए थे, 17 में भी आए थे, 18 और आपको नीत, हाँ नीत बहन, ये भी लंदन ग्रुप में ही है, नीत, नीत बहन, अच्छा लंदन ग्रुप में, अच्छा परम शांति, हाँ वो बुलाती, ये आ जाओ, ये सुप्रिया जो है उनकी बहन है, ये पहली बार आई है दादाजी, सुप्रिया शुक्ला ने परम शांति, पूरे परिवार को जोड़ लिया दादाजी, बड़ी मुश्किल से उठाओ पूरे परिवार को, घर का कल्याण करो सबका, खींच के लेके आए, लाइट हाउस बना दो अभी से घर, हाँ खींच के क्या आएंगे भाग्य में, मगर ये चांस नहीं मिलेगा अंत में, हाँ हम समझो ऐसा ही चांस मिलना बहुत मुश्किल है, हाँ चलो बैठो, जो रह गए वो आगे आ जाए, जो रह गए आगे आ जाए, पंडित जी, हाँ मॉरिशस वाले पंडित जी, बाबूजी हम लोगों को छोड़ कर मत जाना, हाँ लेके जाऊंगा, तुम छोड़ दोगे मैं नहीं छोड़ने वाला, प्रीतम, हाँ प्रीतम, प्रीतम प्यारे, हाँ प्रीतम प्यारे, सऊदी में रहता हूँ, सऊदी में, ये सऊदी अरब से आए हैं प्रीतम, प्रीतम ये भी दुबई, हाँ 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 दुबई, हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छा है, तेरी वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उनकी मम्मी है ये, अच्छा दुबई रहते हो जी, जी मम्मी भी जी, पूरा परिवार जी, अच्छा ये कनाडा से, कनाडा से बहने आए हैं, ये गुरमीत बहन, ये अपने नाम खुद बोल दो, गुरमीत कौर, प्रभजोत, दीपेश, जो सिख धर्म में है ना कट्टरपंथी सिख खालिस्तान, उनमें जाना बहुत मुश्किल है, उनका एक्स्ट्रा मार्क्स डबल मिलेगा, जो खालिस्तानी संप्रदाय से आ रहे हैं, थैंक यू बापू जी, हाँ वो सिख संप्रदाय, वो सिकंदर को भी डबल मिलेगा, सिकंदर को भी, ऐसे संप्रदाय में फंस जाते हैं ना बच्चे, बाप की तो नजर होती है, बेहद का बाप हर नजर ऊपर, कैमरा रिकॉर्ड सब बच्चों पर रहता है, हर बच्चों पर, सुपर कंप्यूटर, हाँ सुपर कंप्यूटर ऊपर है, बेहद के बच्चों के लिए सुपर कंप्यूटर लगा है, हेल्पलाइन हर पल मिलती है बच्चों को, आप हेल्पलाइन मांगो ना मांगो, तुम मांगो इससे पहले हेल्पलाइन तुम्हारे सामने हाजिर होता है, बाप हाजरा हजूर है, आपको अनुभव करने की जरूरत है, हाँ बेहद के बच्चों को, विदेश वालों को तो डबल हेल्पलाइन मिलते हैं, आप चाहो इससे पहले आपको हेल्पलाइन मिल जाए, हाँ चेंज किया मैंने घर का, कौन, अच्छा क्या,
परम शांति बेटा, विदेश वालों को चांद ज्यादा दिया है इस बार। नेपाल वाले विदुर, हाँ विदुर, हाँ तेरा तो बहुत नाम ही विदुर है, हाँ बहुत बड़ा भाग्य बना रहे हो बेटा। नेपाल वाले आ जाइए सर, अविनाशी भाग्य, बहुत आगे बढ़ो बेटा, तन मन लगा दिया है, सब कुछ सेवा में लगा दिया, सर्वस्व त्यागी की लिस्ट में आ गए, हाँ क्या बेटा? नया अच्छा, नेपाली वाले प्रेरणा, हाँ सबको प्रेरणा दो, बेहद की प्रेरणा बन जाओ, सबको बेहद की प्रेरणा देकर सबको आगे बढ़ाओ, हाँ हाँ बेटा। शिखा बेटी तू तो बहुत बड़ी त्यागी तपस्वी बच्ची हो, नष्टो मोह स्मृति लब्धा वाली बच्ची हो, बहुत ही डेढ़ी मेरा आत्मा तू तो बेटा, नष्टो मोह हो, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, बहुत ही हाँ बहुत ही स्पेशल कैटेगरी में भी स्पेशल हो बेटा। शेखा, शेखा का मतलब क्या होता है? ऊंचा से ऊंचा, तो ऐसी ऊंची से ऊंची आत्मा हो बेटा। अधिकारी टीकाराम, बहुत बड़े भाग्यशाली हो बेटा, छोटी बच्ची, हाँ कितनी ज्ञानी, हाँ बेहद की बच्ची है। कृष्णा, इसका नाम कृष्णा, कृष्णा, हाँ बहुत ही बेहद की बच्ची है, कितनी भाग्यशाली है, माँ और बच्ची दोनों बहुत बड़ी भाग्यशाली, बहुत ही बड़ी भाग्यशाली, बेहद की अविनाशी भाग्यशाली बच्ची है बेटा। हाँ टीकाराम, चांस मिला है सबको, चांस मिला है, चांस एक बार मिलता है। सीता लंदन, हाँ वो, हाँ सीता भी बहुत आगे जा रही है, बहुत ही बहुत ही, सीता भी बेहद का अविनाशी भाग्य बना रही है, बहुत ही, हाँ नेपाल की गीता पाठशाला सेंटर, हाँ सेंटर खोलने वालों को, तो सेंटर खोलने वालों को जो जो भी अपने घर में सेंटर चलाते हैं उनको 100% बेहद के बाप का और 100% बेहद के दादा का 200% पावर मिलेगा, जो जो भी अपने घर में सेंटर चलाते हैं, चाहे भले दो आत्मा आती हो, चार आत्मा आती हो, एक भी आत्मी हो, मगर उनको बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। हाँ घर में जो जो सेंटर चलाएंगे वो तो लाइट हाउस बन ही जाएंगे। हाँ सीता लंदन वाली बच्ची, लंदन में रहकर भी बहुत कमाल कर रही हैं, कमाल की बच्ची हैं सीता, लंदन में भी रहकर इतना लौकिक अलौकिक बैलेंस रखती हैं, विदेश में रहकर इतनी बड़ी सेवा करना, इतनी बड़ी वीडियो बनाती हैं इंग्लिश में, नेपाल में कई वीडियो बनाती थी, इतनी जितनी वीडियो बनाओगे इतना भाग्य बनेगा, एक वीडियो में 1% लाइट गिफ्ट, ये तो सब गिफ्ट है, बाकी रेगुलर तो ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो सब गिफ्ट दे रहा हूँ, एक वीडियो पे 100 बनाई थी, 100,000 बनाए थे, 1,000 3,000 बनाई, 3,000 हाँ, तो देवी का कितना बड़ा भाग्य बन गया, हाँ उसका तो कितनी बड़ी वीडियो बनी है, हाँ सबसे ज्यादा देवी का भाग्य बन गया वीडियो बनाने में, अच्छा देवी का तो कितना बड़ा भाग्य बन गया, हाँ सबसे ज्यादा बड़ा भाग्य तो देवी का बन गया, वीडियो बना बना कर डालते रोज चार चार सोलह से चल वीडियो चल रही है तेलुगु चैनल 16 से, और कितना 10,000 से ज्यादा है ना, 11,000 12,000 हो गए सब्सक्राइबर, हाँ तो निकलेंगे ना सारे, निकलेंगे तो आपकी 6,000 वीडियो से बाप, हाँ तो याद करेंगे ना आपको, याद करेंगे, हाँ आपको तो जो चैनल चलाएंगे उनको आवाज में जो वीडियो सुनेंगे तो उनको बहुत बड़ी वैल्यू होगी बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य बनना है देवी, तुमने तो बहुत कमाल कर दी है, तुमने बहुत बड़ी, इतनी बड़ी चैनल चलाना, रोज चार चार वीडियो डालना, दिन रात सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा, बुद्धि सेवा ही सेवा, लौकिक तो नाम निशान भी नहीं, पूरी 100% अलौकिक, पार अलौकिक, बेहद का ज्ञान,
चलो खुश रहो सब बच्चे, सबको बच्चों का कुछ ना कुछ तन मन धन लगाया करो। धनवान धन लगाने वालों को गुप्त में भी बहुत बड़ा अकाउंट्स में बहुत बड़ी राशि गिफ्ट तुम्हारे अकाउंट में जमा हो जाएगी। नए लोगों को खड़ा करना है वहाँ पे? नहीं, अब विदेश वाले, अब मेरे पास इतना ताकत भी नहीं है, समय भी नहीं है, बहुत हो गया समय इतना। मैं तो आधा घंटा बोला था मगर अब समय ज़्यादा हो गया। हाँ चलो बच्चे खुश रहो, कल मिलेंगे नए बच्चों को। तीन दिन में जो बच्चे आएंगे वो बहुत बड़ा भाग्य बनाएंगे। आप खड़ा कर दो, वहीं चलो सब खड़े हो जाओ, उड़ीसा वाले खड़े हो जाओ, उड़ीसा वाले खड़े हो जाओ, वहाँ ही खड़े हो जाओ, उड़ीसा वाले खड़े हो जाओ। बुकिंग हुआ है बहुत विदेश वाले बच्चों के लिए, विदेश वाले बच्चे जिनका बुकिंग हुआ या कोई गड़बड़ हो गई, कर्म बंधन सामने आ गया, नहीं आ पाए, ऐसे विदेशी बच्चों को सारा का सारा तीन दिनों में जो सभी बच्चों को मिलेगा वो इनको घर पर विदेशी बच्चों को मिलेगा। जो जिनका कुछ गड़बड़ हो गया, पासपोर्ट नहीं मिला, वीज़ा नहीं मिला, टिकट नहीं मिला, या टिकट मिला तो आ नहीं पाए, कोई बीमार हो गया, ऐसे बच्चों को, विदेश वाले बच्चों को, सिर्फ विदेश वालों, देशी वालों को नहीं, देसी वालों को तो सजा है, नज़दीक में तो भी नहीं आ पाते, माया पकड़ लेती है। देसी वालों को तो फिर सजा खा के आएंगे देसी वाले। भारतवासी क्या है कुंभकर्ण में, भारतवासी क्या है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है भारतवासी, और विदेश वाले जाग रहे हैं। चलो हाँ उड़ीसा वाले देख लिया सब बच्चों को, उड़ीसा वाले अच्छे बच्चे, बहुत प्यारे बच्चे। चलो देवी के ग्रुप के खड़े हो जाओ, आंध्र प्रदेश वाले, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, देवी का ग्रुप, वही परी, वही 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 वही, चलो 80 मेंबर्स, हाँ 80, अच्छा हैदराबाद करना, पहले तो 100-100 आते थे। हाँ जी बापू। चलो खुश रहो बेटा। हाँ बहुत, बेंगलोर वाले का है, बस साथ में आ गए ना। चलो कोई बात नहीं, बेंगलोर भी साउथ पार्टी में इंक्लूड है। हाँ। अच्छा अच्छा, बेंगलोर वाले बहुत अच्छे बच्चे हैं। नई आत्मा आई है बीके वाली बेंगलोर से। अच्छा अच्छा, नई आत्मा बेंगलोर से। गीता बच्ची कहाँ है, गीता बच्ची बेंगलोर की, गीता विद्या क्या नाम, विद्या गीता, गीता विद्या, सब बच्चे बहुत प्यारे बच्चे हैं, बेंगलोर वाले बच्चे बहुत सेवा कर रहे हैं। कल रात को मैंने देखा था सभी का थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू, कल रात को इंटरव्यू सबका देखा था मैं, पूरा एक घंटा मैंने देखा था, अच्छा बोल रहे थे सब, अच्छे अनुभव करते हो ना, हाँ सब अच्छा बोल रहे थे। गीता बहन, गीता क्यों कह रही है बेटा, बहुत बड़ा भाग्य बना है गीता। हाँ बेटा बहुत बड़ा भाग्य बना है, बहुत ही हाँ बहुत, हाँ बीके में जाके उसके संस्कार तो बहुत अच्छे बन जाते हैं ना, जो बीके से आते हैं वो त्यागी तपस्वी तो होते हैं, बहुत त्याग तपस्या तो करते हैं। लावण्या का जेठानी है, लावण्या बहन की जेठानी, हाँ लावण्या नहीं आई, आई आई, अच्छा अच्छा लावण्या, हाँ चलो चलो सब अच्छा, लावण्या की जेठानी, अच्छा अच्छा, क्योंकि युगल बेटा भी है। देखो साउथ वालों को क्या फायदा है, साउथ वालों को भारत का विदेश कहा जाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फिर भी कैसे कैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी बच्चे ढूंढ ढूंढ के आ जाते हैं, साउथ वाले ढूंढ ढूंढ के आ जाते हैं, भाषा भी नहीं आता, हाँ भाषा भी नहीं आता, हिंदी नहीं आता, कर 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 अपनी भाषा क्या मेरे को आती नहीं, नहीं क्या कितनी विदेशी भाषा में, विदेश से भी हाँ कर्नाटक वाले हैं लावण्या, तो साउथ वालों को भी एक वरदान मिला है, पता है आपका साउथ वालों को क्या वरदान मिला देवी, पता है आपको साउथ को क्या कहा जाता है, भारत का विदेश, भारत का विदेश, नजर बड़ी तेज है भारत, साउथ वालों की नजर बहुत बड़ी तेज होती है,
और बहुत भावना वाले होते हैं, बहुत त्यागी तपस्वी होते हैं। विजयवाड़ा में हाँ बापू जी को प्रत्यक्ष किया, 5 दिन रहा हूँ विजयवाड़ा कुसुमा के घर में। कुसुमा का है, कुसुमा 10 साल हो गया। हाँ 2013 अक्टूबर में 10वां महीना वहां मनाया था। हाँ कुसुमा तो देखो तुम्हारे साउथ में मैं आया 10 साल पहले, 5 दिन रहा मैं, 5 रात, 3 दिनों हॉल में रहा, दशहरा वहां मनाया विजयवाड़ा। तो कितना बड़ा भाग्य, अंत में देखेंगे। हाँ कौन आया था हमारे साउथ में, कौन आया था देखेंगे ना अंत में। अभी पूछ रहे विजयवाड़ा वाले ना, हाँ विजयवाड़ा में बाप आया लक्ष्मी, वो कुसुमा के घर में 5 दिन रहा, कितनी भाग्यशाली है कुसुमा, उसको मैंने टाइटल दिया है बेहद की सबरी। हाँ बेहद की सबरी कुसुमा, अन्नपूर्णा, बेहद की अन्नपूर्णा, बहुत बहुत त्यागी तपस्वी है, बहुत त्यागी तपस्वी कुसुमा, बहुत त्यागी तपस्वी कुसुमा, कुसुमा तो कुसुमा ही है। ऐसी त्यागी तपस्वी आत्मा मिलना कुसुमा बेटा, हाँ ऐसे बच्चे हैं, उसकी बेटी भी बहुत अच्छी है, कुसुमा को बहुत सहयोग देती है कुसुमा, उसका वो साथी है ना वो बाड़वा शिवैया, ये सब बच्चे बहुत बहुत त्यागी तपस्वी है। हाँ विदेश वालों बहुत सेवा करता है शिवैया, हाँ विदेश वालों के गुरदान देता, साउथ वालों को, वो भारत का विदेश है तो जो विदेश वालों को जो भी मिलेगा वो साउथ वालों को मिलेगा, विदेश वालों को डबल मिलेगा तो साउथ वालों को भी डबल मिलेगा। ट्रिपल बापू जी, डबल 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 नहीं ट्रिपल नहीं डबल डबल, भारत का विदेश बोला है, ट्रिपल नहीं बोला भारत का विदेश। तो जो विदेश वालों को जो मिलेगा वो साउथ इंडियन, साउथ में कौन स्टेट है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटका, केरल और केरला और तमिलनाडु, 4-5 स्टेट है ना, पांचों को मिलेगा, पांचों को, पांचों को डबल मिलेगा, जो भी बाप दादा देगा उसका डबल मिलेगा, जो विदेश वालों को मिलेगा वो तुमको मिलेगा, वो वरदान देता, वो स्पेशल वरदान है तुम्हें, साउथ वालों को स्पेशल वरदान है ना। चलो बच्चे हाँ खुश रहो, खुश रहो कुसुमा, नए वाले हो पुराने वाले हो सभी को, सभी बच्चों को, सभी बच्चों को, जो भी बच्चे आए 3 दिन में आए इनको तो कितना मिलेगा, 50 तो बाप और दादा का 100% पावर तो वैसे भी मिलने वाला है, साउथ वालों को डबल हो जाएगा, विदेश वालों को डबल हो जाएगा, नए बच्चे। अच्छा अच्छा चलो, मगर अब समय नहीं है, बहुत ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ो बेटा, ज्ञान योग सेवा, सेवा से भाग्य बनाओ, बेहद के रिश्व सेवाधारी बनकर बेहद का भाग्य बनाओ बेटा। हाँ अच्छा बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो बेटा। दिल्ली वाले कौन है, सोनिया, मधु, गीता, गीता, अच्छा अच्छा चलो ठीक है, चलो वहाँ ही खड़े हो जाओ, बुला लो यहाँ 2 मिनट। हाँ सेवा के लिए, वीडियो शूट करने, अच्छा वीडियो शूट करने, अच्छा विशेष सेवादारी वो चैनल पे डालने के लिए। हाँ तो चैनल वालों को तो बहुत बड़ा मिला, कनेक्टिंग ऑलमाइटी, अच्छा हाँ कनेक्टिंग ऑल, पता है मेरे को कनेक्टिंग ऑल वाई की, इन लोगों ने तो जोड़ा है ना। हाँ ये दिल्ली वाले बच्चे, ये गीता और सोनिया बहुत बड़े ओल्ड इज गोल्ड ग्रुप वाले हैं, ओल्ड इज गोल्ड बहुत बड़े, उन्होंने बहुत बड़ा भाग्य बनाया, बहुत जब कोई नहीं जानते तब मैं इनके पास बैठा रहता था घंटों के घंटों, घंटों के घंटे इनके घर जाके पूरे सुबह से शाम तक ज्ञान देता रहा, ज्ञान देता रहा, मगर अब मेरे पास सेकंड का भी टाइम नहीं है, अब बात भी नहीं कर सकता, पहले तो बहुत बात करता था गीता सोनिया से, समझाते ज्ञान देता था, ज्ञान समझाता था, इनको भी अंगुली पकड़ के चलाया बाप ने, ऐसे बच्चों को अंगुली पकड़ के चलाया, अब बच्चे बड़े हो गए ज्ञानी हो गए तो फिर अंगुली छुड़वा दी, अब चले अपने आप चलो, अपने आप चलो, अपने आप चलो,
इन बच्चों को अंगुली पकड़ के चलाया। हाँ अच्छा बेटा खुश रहो बेटा, हाँ खुश रहो। अच्छा 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 बेटा अच्छा खुश रहो खुश। चलो और बच्चों को चाहिए कुछ चाहिए तो खड़े होकर बोलो। गुजरात वाले कौन है? तो भी एंड तक सेवा करना ना। वो तो लास्ट में गुजरात वालों को मिलेंगे। लास्ट दे परसों गुजरात वालों को सेवाधारियों को सबको लास्ट में जितने भी सेवाधारी है। हाँ कौन जाने वाले हैं भाई? सबको मिल लिया ना बहुत टाइम हो। चलो कोई नहीं, दो दो मिनट सबको मिल लेंगे इस बार, क्योंकि आगे मिलने का चांस इतना मिले या ना मिले, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही विपरीत समय है। बच्चों को मिलना चाहे तो भी मिल नहीं पाएंगे, ऐसा समय आ रहा है। बाप अपने बच्चों को मिलना चाहे तो भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ किसी की ट्रेन रुक जाएगा, किसी का विमान रुक जाएगा, किस न किस। इस बार तो फिर भी आप आए हैं, सब बच्चे रुकवा दिए हैं थोड़ा। हाँ अच्छा बच्चों, हाँ परम शांति, बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति।